लेकिन एक बात कहूंगा देवी जी। क्या? इस तरह अकेले बाजार नहीं आना चाहिए। अगर आपके घर में कोई और नहीं है, किसी पड़ोस वालों से साग सब्जी मंगा लेना चाहिए। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती का एहसास करती हूँ। है जमाना बुरा, करो ए दिल में सबर। है जमाना, है जमाना, कराओ जरा दिल में सबर। है जमाना बुरा, करो दिल में सबर। नेक दुनिया में हो में होता ना कोई बसर, नेकी दुनिया में होता ना कोई बसर। है जमाना बुरा, करो दिल में सबर। देवी जी, हर इंसान दुनिया में नेक नहीं होता है। ये कितना बुरा था, अगर मौके पर नहीं आया होता तो आपके साथ क्या व्यवहार होता? अगर शायद इसका भाई नहीं आया होता तो मुझे भी गोली मार सकता। इसलिए मेरा समझाना फर्ज है जी, आज के बाद कहीं बाजार मत आना। इधर नहीं आऊंगी। आप कौन है इनकी? कौन है? हम इनके पड़ोसी हैं। यार पड़ोसी हो तो कम से कम आप इनके सामान बाजार से ला दिया करो। क्या करी, हम कहीं चला, हम ले आए देव, कहें ना है तू का, हम पैसा देव और तू खाई डावा दिया। ये बात है। हाँ कहीं ये बोले हम हूँ चल साथ। हाँ मतलब तुम खब्बू भी हो, इसीलिए तो भैया पैसा पाओ गांजा पी जावा दियो। क्यों गांजा पीता है? गांजा इतना महंगा हो गया, 100 रुपया सारे तोला दे थी। अच्छा हाँ हाँ। देखिये देवी जी, हम लोग जा रहे हैं। आपने सब्जी ले लिया है ना? हाँ। आप नहीं राह जा सकती है। ठीक है, आइए समझे चलते हो। कांटा गाड़ी का भैया, कांटा गाड़ी हो? तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया, कहीं घाव तो नहीं हुआ है? नहीं तो पैर देखो नहीं कर सीने नजर, पैर दे कहते हैं नेकी कर और कुआं में डाल। तो अच्छा लगता है तेरा ए सलीका नहीं, अच्छा लगता कोई बात तो ना हुई कि आप मेरे साथ इस तरह बात करें? क्यों? अरे जो अच्छी लड़की होती है, अच्छे घराने की होती है, इस तरह बेहुदी बातें नहीं किया करती। मैं सोच समझ कर ही सारा फैसला करती हूँ। मतलब? मैं चेहरा देखकर इंसान को जान जाती हूँ, ये इंसान कैसा है। भाई, एक बात, मेरा दिल आपके ऊपर आ गया, मैंने आपको बोल दिया। भैया हो, दीदी क्या हम जानते ही कुछ नहीं, इनके खाली है सुंदर चेहरा देख के फिदा हो गये दीदी तू।
अति सुंदर भैया, तेरा चेहरा तो हाँ बहुत सही है। अच्छा, तोहरे चेहरा पर फिदा हो गया है। एक काम करा, चलता है चेहरा को करीखा लगा ली जाए। वे पागल है? मैं से बात करता हूँ। क्या तू वाकई में मुझसे प्यार करती है? सच कह रही हूँ। सच में? तुम्हारी कसम। तुम्हारा नाम बिजली है? मेरा नाम बिजली है और रामू किसान जो है मैं उन्हीं की बेटी। ओ हाँ, पिपरी कला वाले। हाँ, कैसे तुम जान? हाँ, अरे तू है कौन? अरे साले, रामू चाचा का खेत और मेरा खेत तो बराबर में ही है, पास में है। सच में? सच में। तो ए बिट्टी, ए नहीं आई, हर दाई जान ले तुहार काट लिए थी। मेड़वा हर दाई काटा थी। अबे साले, मेरा मेड़ इतना चौड़ा है उस पे दो चक्का की बाइक जा सकती है, लेकिन बसरते बात ये है कि पुराना मेड़ है, जब मैं अपने खेत में पानी लगाता हूँ तो मेरे खेत का पानी कभी मूस के बीच से आपके खेत में चला जाता है। मूस नहीं, मूस नहीं, तू भाई भूला कर दिए थे। चले भूला नहीं करते थे हमारे भैया, मेड़ काट के सफेद कर दिए। फालतू वाली बात नहीं, ठीक है, अगर मुझसे लव करना चाहती है, लेकिन अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैं करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन अभी नहीं। क्यों? मैं ना कर दिया? अभी सिर्फ दूर से। दूर से? क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मेरा भाई पढ़ रहा है बम्बई में ना। जब तक मेरा भाई पढ़ लिख कर कोई अफिसर या अधिकारी नहीं बन जाता है, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तब तक आपको इंतजार करना होगा। तो शादी की बात मैं थोड़ी ना अभी कर रही हूँ, मैं तो आपसे प्यार की बात कर रही हूँ। अब शादी ना करा, पहले खाली आई लेबू करा। आई साले, उसे आई लव यू बोलते हैं। आई लव यू, तेरी हमजानी आई लेबू। काम करा भैया, अब मोहब्बत खा ले चूका जी। क्या है मोहब्बत खावे? मोहब्बत खाई जाती है या मोहब्बत की जाती है? की जाती है। और क्या? हमारे क्या खाई जात मोहब्बत? अच्छा, मोहब्बत चाटी जात। चल दोनों दोनों सारे पागल हैं। उन्हें उन्हें के बहनों यही महालंड। तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना। एक ही डोर खींच जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना। पहनूंगी मैं
पहनाऊंगा मैं तेरे हाथों में कंगना, आएगी डोली तेरी मेरे ही अंगीना, चाहे कुछ ही कर ले हो, चाहे कुछ ही कर ले ए जमा से एक बात और कहना चाहती हूँ। एक बात नहीं, देखो बात ऐसी है, सौ बात कह सकती है। तू तो भैया तो खूब मेहनत करता, तोहरे तो पसीना निकलेगा। भैया क्या बात है, तू इनसे मोहब्बत करता है? और तू? हम इनसे मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और क्या, लगे रहो बेटा। हाँ, कम से कम तूने जिन्हें ढाई बच्चा पैदा कर, तू साला इतना हरामी है। अबे ढाई बच्चा नहीं, एक दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। और क्या बे? क्या कहना चाहती हैं अब? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात किसी से नहीं बोलोगे कि मैं और बिजली दोनों प्यार करते। हा? मैं वादा करता हूँ कभी किसी से नहीं कहूँगा। और एक चीज, क्या कल तुम हमसे मिलने के लिए आओगे? लेकिन बाबा साहब के मजार के पीछे, वो जिन बाबा की, जिन बाबा की जो मजार है। हाँ जी, वहाँ मिलने कितनी टाइम आओगी आप? 5 बजे आ जाना। लेकिन एक बात, वादा कर ले साजिना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा। वादा कर ले साजिना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा। तुम लोग क्या कर रहे हो? कहो भैया। ये क्या हो रहा है? ये बतावा, दोनों जने हमरे दोनों भाई के छाती पर दाल दरा तार हाइस हुए हमसे। तो क्या कर रहा था? हमसे पे पीर मोहम्मद का खाता ही। अबे साले पीर मोहम्मद नहीं कह रहा, सकील अहमद खा रहा हूँ। पीर मोहम्मद खाता है, हम मुस्लिम खाते हैं। देखिए, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। 2 मिनट समय और दे दिया पास। ये बतावा घर में के है तोहरे? घर में मेरे, हाँ, मेरी माँ है। माँ ला और के है? मेरा भाई है। भैया माँ ला बम्बई में कहाँ है? मेरा भैया मुंबई में पढ़ रहा है। बप्पा नहीं है? अबे मेरे पिताजी बचपन ही मर गए। अच्छा, अम्मा के लिए है? बिट्टी क्या तोहरे अम्मा नहीं है, तोहरे बप्पा है। हाँ। एक काम करे भैया। क्या दे? माँ ला ब्याह करे, बिट्टी तो लाइन जा ब्याह। अच्छा, दहेज में माँ ला कुछ देबे ना करी है, दहेज में इनके बप्पा का ले जाया। ए बड़े तोहरे अम्मा है, बप्पा नहीं है, इनके बप्पा है अम्मा नहीं है। तुहार तू जने के एक काम हुए, और तोहरे अम्मा का इनके बप्पा। दबा दूंगी गला, प्राण उड़ जाएगा हराम खोर। ऐसी गंदी बात कर ले। तोहरे घरे में के है? हमरे, हाँ, हमरे घर में पप्पा है। पप्पा? हाँ। अम्मा तोहरे? अम्मा नीपुरी है। सोचने की बात है। हाँ मर्दा संतोष, आज मेरा भाई न होता, आज मेरा भाई न होता तो आज मैं बिजली की इज्जत खाक मिला दिया होता। ये साला हराम ज्यादा वो हमारा कुछ न कर पाता, मैं उसे गोली मार देता। अरे गोली लौट रही कि मारे वाला रहा, लेकिन भैया आ गए। लेकिन मुझे अफसोस है, अफसोस इस बात का है कि बड़े भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बात है हलम, और मैं बड़े भाई साहब का बहुत मान सम्मान करता हूँ, कद्र करता हूँ, लेकिन
आज मेरी गाल पर चांटा मार दिए, अफसोस की बात है। उनसे उनसे बातें न करा, दो चार दिन बोलबा न करा। जसवंत, जसवंत, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज, ठीक है, लेकिन तेरी नाराजगी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए सुन रहा नहीं सुन रहा। अरे पागल, अगर तू सानू को गोली मार देता तो क्या होता? हवेली पे पुलिस आती, तुझे अरेस्ट करके थाने ले जाती, मेरे क्रेडिट पे कितना धब्बा लगता उसका एहसास नहीं। सिर्फ नाराज हो सकते हो। क्या मैं नाराज हूं? इधर आओ, मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, बहुत गुस्सा हो, लेकिन मुन्ना अगर वहां मैं नहीं पहुंच जाता तो तुम्हारी भी बेइज्जती और हमारी भी बेइज्जती थी। जिस भाई को आपने प्यार दुलार दिया, माँ बाप का प्यार नहीं जानता हूं, वही भाई मेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो भाई पर क्या गुजरती है? बड़े भैया, मुन्ना अगर आप ना होते उस जगह पर, अगर आप ना होते तो हम पूरे गांव में आग लगा देते, जला कर राख कर देते। लेकिन बड़े भैया, आपका खौफ था इसलिए मैंने बिना सोचे विचारे उस शूद्र का मैं पांव छू लिया। अरे आप फंस रहे हैं। मेरे अरमान पर पानी फिर गया और आप हंस रहे हैं, कैसे भाई हैं? पागल हो तुम? बड़े भैया, मैं आपका सम्मान तोड़ देता तो छत्रीपन में दाग लग जाता। अर्द मेरे दिल में उठ रहा है नफरत का अरमान। मेरे दिल में उठ रहा है नफरत का अरमान, और बहुत जल्द ही सानू को मैं पहुंचाऊ शमशान। पहुंचाऊ शमशान मुसीबत उस पे इतना ढाऊंगा, और पहुंचाऊ शमशान सुरो बिजली पे ऐसा सितम ढाऊंगा, और नोच कर और बिजली की इज्जत दोनों ब्रात गाऊंगा। तो हकीकत बात सही है, हाँ। हकीकत बात और सही है, हाँ। सपनों की बात नहीं है, हाँ। आज यहां से जाबो आज रात, आज हमर तुम आज यहां से जाए, पर चल करके बिजली की इज्जत मिट्टी में आज। वाह बड़े भैया वाह, आप मेरे मुंह की बात छीन लिए। बड़े भैया, मेरा बदला बिजली से है, और बिजली एक लड़की है, उसको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सनुआ साला महमूदपुर वाला, ये हराम ज्यादा आकर बिजली की मदद किया, और उसी की वजह से इतना बड़ा बवाल बढ़ा कि भाई भाई में धराज हो जाती। जसवंत, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। खाओ कम खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा, और पंगा नहीं लेना, राम कसम उड़ा के मारूंगा। अगर अचानक किया तो ठाकुर होने का मत, भाई क्या।
ठीक है बड़े भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। सुनो, बिजली पर और सानू पर तुम दोनों कड़ी नजर रखो, वो कहां जाते हैं, किस रास्ते से गुजरते हैं, किस टाइम जाते हैं, क्या बात करते हैं, ये खबर मुझे बताओ, उसके बाद हम सोचेंगे। ठीक है बड़े भैया, मैं बिजली पर नजर रखूंगा कि बिजली कहां जाती है और ये सनुआ साला कहां जाता है, हम इसकी मुखबिरी करेंगे। ठीक है, और जैसी भी खबर होगी मैं आपको जरूर बताएंगे। एसके मुखबिरी करो, अगली बात मैं वक्त आने पे बताऊंगा। ठीक है भैया, ओके मैं चलता हूं। छोटे लंबरदार संतोष। हाँ बड़े भैया ने थप्पड़ मुझे क्यों मारा? अरे अब देखा उनका दिमाग दूर। इतनी बड़ी नीच सोचिए कि सम्मान भी बच गया और मान भी बच गया, सब कुछ बच गया। अगर मैं सनुआ को गोली मार देता तो मैं 302 का मुजरिम हो जाता, पुलिस आते जा आपको अंदर कर देती। इसलिए बड़े भैया ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, वहां मुझे नीचा दिखाया। अब हमका कौनो मलाल नहीं, भले घोड़े। लेकिन बड़े भैया क्या कह रहे हैं कि तू ताक में रहो? हाँ, वो साले जाते कहाँ हैं, क्या बात करते हैं, किस समय जाते हैं, किस समय आते हैं? जी हाँ, उसके बाद बड़े भैया बलवंत सिंह और जसवंत सिंह दोनों ऐस आराम बिजली के साथ करेंगे। लंबरदार हमारा ख्याल करें। हाँ, चिंता मत करो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। ठीक है लंबरदार, आइए मेरे साथ। चलिए ये दोनों भाई कसाई यहाँ, इनका हम का बताए, इनके क्या नौकरी करे के हम पछतात ही। लेकिन एक बात यह है, गुंडई जमाई है मऊ, ऐसी बात नहीं है, गुंडई हमारा जमी यहाँ है, इन्हीं की यहाँ रहा ही, इन्हीं के खात ही, इन्हीं के पहरत ही, हमको चिंता किसी बात की नहीं है। लेकिन ये सब हाँ बड़े कसाई भाई हैं, भगवान इनसे बचावें। अरे राम धीरे धीरे ना, हे राम धीरे धीरे ना, हो माई धीरे धीरे ना, रतिया हा का मोर भवानी धीरे धीरे ना, रतिया हा। यहाँ का मोर भवानी धीरे धीरे ना, चले तीन तीन नौकर और एक भी नौकर या मौजूद नहीं। नौकर संतोष। लमरदार राम राम। जय राम बे जय राम। आदेश कहिए सरकार। आलमरदार, आज तुम पिपरी कला गांव जाओ। अच्छा लमरदार। और पिपरी कला जाकर रामुआ किसान को यहाँ बुला के लाओ। अच्छा रामू किसान को। हाँ ठीक है लमरदार। ठीक है, ठीक है लमरदार। बोल देना कि जमींदार साहब ने बुलाया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है लमरदार। आप जाइए, आप जाइए, आपका हुक्म सराख पर है मेरे। ठीक है, मैं जाऊँगा। रामू किसान के यहाँ जाना है, लंबरदार का आदेश है, अब मैं जा रहा हूँ रामू किसान के घर, उनको बुलाकर लंबरदार के पास ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। भैया अब हमारी बिटिया बिजली नहीं आई, बाजार गए है, जानवर बांधा बाटे बर्दा हमारे, अब पानी हम भर नहीं पाए, हवती हमरे बर्तन का चारा पानी देती, लेकिन अब तक बिजली गुड़िया हमार काज निकाह कर दिया। रामू काका, राम राम। जय राम बेटवा। का हाल है? ठीक है बेटवा, तू कैसे? हम ऐसे
ठीक है ठाक है। आज बेटवा बहुत दिन पे हमारे दरवाजे आया, का बात यार? का करी का टाइम नहीं लगा। हाँ जमींदार साहब किया रहबई करा था, का है उब्या? अरे भाई बहुत काम है उनके पास, एक संदेशा लेके आया। कौन संदेशा बेटवा? आपको जमींदार साहब बाबू बलवंत सिंह हमारे साथ बुलवाए हैं, आप चलिए। जमींदार बलवंत सिंह? हाँ। बुलाए हैं? हाँ। कोनो गलती हो गई का बच्चा हमसे? देखा काका हमका ये बारे में कोनो पता नहीं बा। चला बेटवा हमारे संगे चला, आपको जमींदार साहब ने बुलवाया है। चला भैया चला, चलते ही।